बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। अभी हो चुकी है सुबह और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मैंने मार्लो में कर रखी है ऑयलिंग, तो मैं अभी हेयर वॉश करूँगी। और पीछे आप लोग देख सकते हैं कि कमरा बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि मैं जो नोएडा से आई हूँ अभी तक की मैंने सारा सामान सेट नहीं किया है, वैसे ही बैग में पड़ा हुआ है। वो सब कुछ सही करना है आज, और आगे दिखाते हैं आपको आज क्या करते हैं पूरे दिन भर में। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं नहाने के बाद, थोड़ा सा सुंदर सुंदर से बनने के बाद से। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और अब हो लेते हैं पहले तैयार। सबसे पहले लगा लेते हैं सिंदूर, उसके बाद से फिर चलते हैं पूजा करने, दिखाते हैं आपको सब कुछ। और ये मेरे पति गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बोल दो। और कुछ कहना चाहोगे? तैयार हो जाऊं? ठीक है। हो चुकी हूँ तैयार और अब मैं जाऊंगी करूंगी पूजा, लगा लेते हैं बिंदी। अब फाइनली प्रॉपर हो चुकी हूँ तैयार, अब चलते हैं पूजा करने के लिए। और आप जाइए नहा धो लीजिए, फिर मैं करती हूँ नाश्ता तैयार। ओके बेबी, ओके बेबी, बोलो ओके बेबी। जा रही हूँ नाश्ता बनाने। अभी मैं बनाऊंगी चाय और पहले तो ये खाएंगे चना। घर पे और कोई है नहीं, सिर्फ हम और मेरे हस्बैंड हैं, हमारे पति देव जी। आज शायद भैया आएंगे गांव में सब लोग, क्योंकि कुछ खेत का काम था, गेहूं वेहूँ कटने का टाइम है, तो पापा गए हुए हैं, सब लोग गए हुए हैं। हम लोग घर पर नहीं थे, तो हम लोग अभी तो आज शायद भैया या मम्मी कोई आएगा। तब तक के लिए तैयार कर लेते हैं हम अपना नाश्ता। आधे से ज़्यादा सामान सेट कर दिया, जैसे मेरी साड़ियाँ, क्योंकि मैं सारी साड़ियाँ लेकर के गई थी वहाँ वीडियोस के लिए, तो अभी मैं यहाँ पे सारी साड़ियाँ सेट कर चुकी हूँ। बस ये अलमारी इधर की मैंने सेट कर दी, बस मुझे उधर का सेट करना है, तो वो मैं फटाफट से कर देती हूँ। मेरे भाइयों के भी कपड़े वहीं पे थे, वो भी जाए, इसे मुझे डालना है बेड में। मैंने नाइट सूट अभी दिन में भी वेयर किया हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है मेरे पैरों की जो समस्या है, जिसकी वजह से मैं कुछ सूट वूट टाइप का ज़्यादा पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, गर्मी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैंने यही पहन लिया, क्योंकि ये इसका जो कपड़ा है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और हल्का है, तो मुझे इसमें थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। Thank you.
तो आज मैं पहनने जा रही हूँ न्यू इयरिंग्स वाली पहन पहन के मैं बोर हो गई थी, तो आज मैंने निकाली न्यू इयरिंग्स और मैंने बिछिया भी न्यू पहना है, मैंने न्यू बिछिया पहना और मैं न्यू इयरिंग पहनूंगी। चेंज करते रहना चाहिए ताकि बोरियत ना महसूस हो, अभी पहन लेते हैं। लेकिन मेरे कानों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि इसकी जो ये तली होती है बहुत मोटी होती है और मेरे कानों में पहनने के लिए देख रहे कितनी मोटी तली है। इसको पहनने के लिए मैं यहाँ पे ऑयल लेकर गई हूँ, पहले मैं कानों में लगाऊंगी ऑयल तभी जाके शायद से मेरे ये कानों में घुसे। इससे पहले भी जो मैंने पहन रखा था गोल्ड वाला वो भी बहुत मोटा था, मेरे को जब भी मेरे को पहनना रहता था मेरे को पहले ऑयल लगाना पड़ता था कानों में। ये मैंने पहन लिया छोटे छोटे क्यूट से भी, ये मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी चेंज करूँ पर मौका नहीं मिला। आज फाइनली मैं जब घर की साफ़ सफाई कर रही थी तो मैंने सोचा लाओ निकाल ही लेती हूँ, पहन लेती हूँ। तो ये मैंने पहना है, बहुत ही क्यूट सा है छोटू सा। आज मैं सब कुछ न्यू पहन ली, मैंने बिछिया न्यू पहन ली, मैंने इयररिंग्स न्यू पहन ली। अब कुछ दिन तक फिर मैं कुछ दिन बाद चेंज करके फिर कुछ न्यू पहनूँ, ठीक है? मिलते फिर आगे। और अभी मैं इधर बना रही हूँ, पतिदेव कैसा? मेरे पीछे क्या पड़ी रहती? मेरा व्लॉग चैनल का नाम पता है क्या है? मिस्टर एंड मिसेस दुबे। तो मिस्टर आप और तो कौन आएगा? आप ही होगे ना? पहले तुम आ जाओ पूरा। मैं आ तो गई पूरा, पहले बताओ ना कैसा लग रहा है कान का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चेंज किया टॉपिक, अच्छा लगा, सुंदर लग रहा हूँ। अब मैं और ज़्यादा क्यूटी लग रहा हूँ, है ना? आपकी आपके भी दुनिया में सबसे क्यूट है ना? निकल लो फिर। मतलब क्यूट नहीं हूँ? जाओ खाना ना। क्यूट नहीं हूँ? बहुत चलो, अच्छे कर दो, अच्छे कर दो, क्यूटी कर दो। और इधर मैं बना रही हूँ खाना, मेरी दाल तैयार हो चुकी है, भिंडी की सब्जी मैंने छौंकी है, अब मैं चढ़ाने जा रही हूँ चावल। तो फटाफट से बना लेते हैं चावल और मैं आपको दिखा देती हूँ मैं जो अपने कमरे की साफ सफाई कर रही थी वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, अभी थोड़ा बहुत रह गया है। इधर का लगभग हो गया है, मेरा ड्रेसिंग टेबल भी सब कुछ सेट हो गया है, अभी बस इधर की थोड़े बहुत सामान रह गए हैं जो कि मुझे सेट करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी खाना बनाने के बाद से, खाने के बाद से करूंगी। इधर मैंने कपड़े डाल दिए वॉशिंग मशीन में धोने के लिए और अभी मुझे बहुत सारा काम है, मतलब कि एक गृहिणी के जीवन में, शादीशुदा लोगों के जीवन में इतने सारे काम होते हैं ना, स्पेशली लेडीज़ों के बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी मैंने कल गेहूं धुला था पिसवाने के लिए, जिसको अभी मुझे साफ़ करना है, फटकना है। बहुत अच्छे से फटक तो नहीं पाती हूँ लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आता है, तो मैं अभी वो करूँगी। उसके बाद से इधर आप देख सकते हैं बोरियाँ रखी हुई हैं चावल की, गेहूं की, सरसों की, इन सारी चीज़ों को मुझे सेट करना है, बहुत सारे काम है। तो फटाफट से कर लेते हैं और अभी कुछ दिनों के बाद से मेरे को प्रॉपर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है, तो अभी मैं ये जितना जल्दी हो सके सारी चीज़ें कम्प्लीट करूँगी। तो मिलते हैं फिर हम खाना बनाने के बाद से, क्योंकि मैं पतिदेव को लगी भूख।
रही है हमारी शाम की चाय और नमकीन। मैं पति देव जी सो के उठे हैं अभी, मैं थोड़ी देर पहले उठी थी। तो जैसा कि मैंने सुबह बताया था कि मम्मी और भैया आ रहे हैं, तो वो लोग आ चुके हैं। मैं इधर बना रही हूँ खाना, लिट्टी चोखा, सत्तू की तैयारी कर रही हूँ, दिखाती हूँ। इधर बैठी हैं मम्मी और भैया भी कहीं गए हुए हैं, मम्मी भाभी से बात कर रही हैं। और मैं फटाफट से तैयार कर रही हूँ खाना, क्योंकि इसके बाद से मुझे करना है अपनी रील्स के लिए शूट। तो रील शूट करना है, बहुत सारे काम है, तो फटाफट से मैं तैयार कर लेती हूँ खाना, फिर मिलते हैं आपसे। हमारा खाना पीना हो चुका है, मतलब मैंने खा लिया क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी, और बाकी सब लोग भी खा लेंगे। और इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।